Wayam Prabha Digital India Educated India Namaskar भारतीय शासन एवं राजनीति से जुड़ी चर्चा के श्रृंखला में हमने अभी तक बहुत सारे विषयों पर बातचीत की है आज की हमारी पूरी चर्चा वामपंथी दलों के पर केंद्रित रहेगी वामपंथी दलों में से हम मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पर ध्यान केंद्रित करेंगे वैसे अगर हम भारत में वामपंथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई स्तरों पर दल सामने आ जाते हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी होगी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नाम का जो एक दल है वह प्रतिबंधित है वह संसदीय राजनीति में भाग नहीं लेता है तो निश्चित रूप से वह हमारी चर्चा के दायरे से बाहर है आ, कुछ अन्य दल भी हैं जो कि वामपंथी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा लेनिनवादी विचारधारा के अनुसार आ, अपनी राजनीति करते हैं उसमें से एक प्रमुख दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी है आ, जो कि मुख्य रूप से बिहार के कुछ इलाकों में अपना प्रभाव रखता है आ, हम उसे भी अपनी इस चर्चा के दायरे से बाहर रखेंगे हमारा मुख्य ध्यान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को कई बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है इनकी राजनीति पर रहेगा इनके द्वारा उठाए गए सैद्धांतिक मुद्दों पर रहेगा मेरी यह कोशिश होगी कि इस पूरी चर्चा में मैं आप लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी की इन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के इतिहास यानी कि इनके बनने की पृष्ठभूमि इनकी नीतिगत रुझान और इनकी राजनीति का एक परिचय दे सकूँ इसका अर्थ यह है कि हम मोटे तौर पर वर्तमान दशक या उसके पहले के दशकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे बल्कि हमारा ध्यान इस बात को समझने पर होगा कि भारत में ये दो वामपंथी दल किस तरीके से उभरे किस तरीके से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक भूमिका अदा की या इनका दृष्टिकोण क्या रहा भारत की आज़ादी के समय इनका क्या नज़रिया था और किस तरीके से बाद के दशकों में इनके दृष्टिकोण में बदलाव हुआ तो इस संदर्भ में जो हमारी चर्चा है वह सबसे पहले हम भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करेंगे फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सी और भाकपा या सी पी आई आमतौर पर अगर आप ध्यान देंगे तो हिंदी के अखबारों में विशेष रूप से अभी भी भाकपा और माकपा शब्द का इस्तेमाल होता है भाकपा का अर्थ होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन यह भी सच है कि हम बोलचाल की भाषा में आमतौर पर सी पी आई और सी पी आई एम ही अब बोलते हैं और बहुत कम भाकपा और, और माकपा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है मैंने स्लाइड्स में भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लिखा है लेकिन आमतौर पर या तो मैं इस संक्षिप्त शब्द का इस्तेमाल करूँगा या फिर इनके पूरे नाम का तो इसमें जो स्लाइड्स हैं उसमें आपके मन में किसी तरह की दुविधा नहीं रहेगी ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ और आज़ादी के दौर में जो कम्युनिस्ट पार्टी है सी उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में एक तरीके का अंतर विरोधी या विरोधाभाषी दृष्टिकोण अपनाया तिभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे और भाकपा और भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में विचारों पर हम बातचीत करेंगे इनके चुनावों के प्रदर्शन पर ध्यान देंगे और जो माकपा या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वह असल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजित होने के बाद सामने आई तो उस विभाजन की परिस्थितियां क्या थी उसके बारे में हम बात करेंगे 1977 के बाद दोनों ही दल आपस में जुड़कर और कई अन्य छोटे छोटे वामपंथी दलों को मिलाकर एक वाम मोर्चे के रूप में संयुक्त रूप में अपनी राजनीति कर रहे हैं तो 1977 के बाद के दौर की इनकी राजनीति पर हम ध्यान देंगे और यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि नब्बे के दशक में और उसके बाद यू पी के समय कैसे वाम मोर्चे ने जो केंद्र की राजनीति है उस गठबंधन की राजनीति में अपनी भूमिका अदा की तो इस लिहाज से हमारी चर्चा विभिन्न स्तरों से होकर गुजरेगी हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान में कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो अपने आप को मार्क्सवादी कहते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के चाहे वो सीपीआई यानी कि भाकपा हो या सीपीआईएम यानी कि माकपा हो उसके सदस्य हो या किसी अन्य सामूहिक कम्युनिस्ट समूह से जुड़े हुए हों यह मुमकिन है कि बहुत सारे लोग सिर्फ बौद्धिक स्तर पर या किसी संसदीय राजनीति से अलग समूहों से जुड़कर मार्क्सवाद के आधार पर अपनी राजनीति कर रहे हों लेकिन हमारा जो ध्यान है वो मुख्य रूप से संसदीय राजनीति में दो वामपंथी दलों पर केंद्रित है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी है चुनाव आयोग द्वारा इसे भारत के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय वामपंथी आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के बारे में अलग अलग विचार हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह मानना है कि पार्टी का गठन 25 दिसंबर 1925 को कानपुर पार्टी कांग्रेस में हुआ था लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या सी या माकपा जो उन्नीस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गई थी उसका यह मानना है कि पार्टी का गठन 1920 में हुआ था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दावे के अनुसार भारत की इस सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दूसरे कांग्रेस के तुरंत बाद हुआ था लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 1920 से ही पार्टी के गठन की प्रक्रिया चल रही थी हिंदुस्तान में और इस संबंध में कई समूह भी उभर सामने आए लेकिन औपचारिक रूप से 1925 में ही पार्टी का गठन हुआ 1925 का वर्ष इसलिए भी बहुत खास माना जा सकता है क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी गठन केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा किया गया था इसके शुरुआती नेताओं में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी हिंदुस्तान में उसमें एम एन रॉय अबनी मुखर्जी मोहम्मद अली और सफ़ीक सिद्दीकी आदि प्रमुख हैं एम एन रॉय का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो कॉम्युनिस्ट इंटरनेशनल में गए और वहाँ पर उन्होंने लेनिन के साथ आ, कई मुद्दों पर जिरह किया और जो वामपंथी साहित्य हैं उसमें रॉय लेनिन डिबेट की चर्चा कई बार होती है आ, जिसमें औपनिवेशिक देशों के बारे में जो आ, एक प्रकृति है औपनिवेशिक राज्य की उसके बारे में इन दोनों की अलग अलग समझ कर, समझ उभरकर सामने आई थी मुख्य बात यह है कि एम एन रॉय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे बहरहाल शुरुआती दौर में पार्टी की जड़ें मजबूत करने की कोशिश में एम एन रॉय ने देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय कम्युनिस्ट समूहों से संपर्क किया देश के कई शहरों में छोटे छोटे कम्युनिस्ट समूह थे लेकिन ये सभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंग नहीं बने 1920 और 1930 के दशक के दौरान पार्टी का संगठन बहुत ही बुरी स्थिति में रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के औपचारिक रूप से गठन होने से पहले ही अंग्रेजों ने कई सक्रिय कम्युनिस्ट समूहों के खिलाफ कानपुर बोलसेविक षडयंत्र के अंतर्गत मुकदमा दायर कर दिया एम एन रॉय एस ए डांगे सहित कई कम्युनिस्टों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए इससे कम्युनिस्ट पार्टी को या कम्युनिस्ट समूहों को काफ़ी चर्चा मिली और पहली बार भारत में आम लोग इनके बारे में जागरूक हुए ये जो एक शब्द है कॉम्युनिस्ट उसमें मुख्य रूप से हम यह मानकर हमें चलना चाहिए कि कॉम्युनिस्ट लोग असल में वो हैं जो यह मानते हैं कि मार्क्सवाद के अनुसार एक वर्गहीन और राज्यहीन अवस्था को हासिल करने की या साम्यवादी अवस्था को हासिल करने के लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है और जब सोवियत यूनियन बना रूस में क्रांति हुई बोल्शेविक क्रांति तो उसके बाद अलग अलग देशों में ऐसे कम्युनिस्ट समूहों को एक साथ जोड़ने की कोशिश के रूप में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल उभर कर सामने आया तो कम्युनिस्ट जो हैं वो सैद्धांतिक रूप से जो पार्टी के माध्यम से संघर्ष करते हुए एक साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले या उस लक्ष्य के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसके अलावा भी कई दूसरे तरीके के मार्क्सवादी हो सकते हैं जो कि एक आलोचनात्मक साधन के रूप में मार्क्सवाद का प्रयोग करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कम्युनिस्ट के अर्थ को आ, समझ गए होंगे और ये कई अन्य तरह के मार्क्सवादियों से आ, अलग तरह का समूह है क्योंकि बाद में ज, जैसे जैसे मार्क्सवाद के भीतर वाद विवाद का विकास हुआ एक बड़ा समूह ऐसा भी उभर कर सामने आया आ, वेस्टर्न मार्क्सिस्ट के रूप में आ, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो मार्क्सवाद है उसका उपयोग समाज की जटिलताओं को समझने के एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए और कोई जरूरी नहीं है कि वर्ग क्रांति और सर्वहारा की तानाशाही और समाजवाद और फिर साम्यवाद की स्थिति के लक्ष्य को ही अंतिम लक्ष्य माना जाए और ये एक अलग वाद विवाद का विषय है ये सैद्धांतिक प्रश्न है जिन पर मैंने मार्क्सवाद पर चर्चा करते समय आ, बात की है जब एक अलग सीरीज़ में मैं पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की बात कर रहा था लेकिन यहाँ मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूँ कि जो शुरुआत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठित हुई उसके गठन में और उसको उसकी राजनीति को आगे बढ़ाने में सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके साथ इसका एक तरीके से गहरा जुड़ाव था वैचारिक रूप से भी यह दिशा निर्देश या फिर एक तरीके से किस रास्ते पर आगे बढ़ना है इसकी समझ सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी से ही हासिल करती थी तो बीस मार्च उन्नीस को सी से जुड़े बहुत से नेताओं को जो इनका आरंभिक दौर था जैसे मैंने पहले बताया उनको मेरठ षडयंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया इस कारण पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई 1933 में प्रमुख नेताओं के मेरठ षडयंत्र केस में रिहा होने के बाद पार्टी का पुनर्गठन किया गया इसकी एक केंद्रीय समिति की के स्थापना की गई 1934 में इसे कॉम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भारतीय भाग के रूप में स्वीकार किया गया यानी कि उसके पहले हमेशा से ही एक प्रोत्साहन मिल रहा था लेकिन कॉम्युनिस्ट इंटरनेशनल का की औपचारिक सदस्यता इसे 1934 में मिली अब आ, हम भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं आ, अगर हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के इतिहास को देखें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन उन्नीस में हुआ इसमें जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया और कई अन्य ऐसे युवा वामपंथी सोच रखने वाले कांग्रेसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो यह मानते थे कि कांग्रेस की राजनीति को वामपंथी दिशा में ले जाने की जरूरत है वामपंथी दिशा से मतलब है कि आ, आर्थिक मुद्दों के आधार पर रेडिकल बदलाव की ओर ले जाने की आवश्यकता है और यह जरूरत है कि कांग्रेस जो हाशिया पे हाशिए पे पड़े हुए समूह हैं उनकी आवाज़ बने तो इसी लक्ष्य को लेकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और इसमें जो एक प्रमुख बात थी वह यह कि इसने एक सीमा तक राष्ट्रवाद के महत्व को भी स्वीकार किया देश और देश की संस्कृति की बात भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी करती थी जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आम तौर पर इन्हें कुछ आलोचनात्मक नज़रिए से देखती थी लेकिन इसके बावजूद वर्ग आधारित राजनीति वामपंथी राजनीति ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकल विचारों को अपनाने का जो लक्ष्य है आर्थिक क्षेत्र में ये ऐसे विचार थे जिसके कारण से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में एक सहज जुड़ाव सा दिखता था हालांकि जैसे मैंने बताया कि अंतर भी काफ़ी साफ था और अंतर ये था कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके नेता भारत की संस्कृति के महत्व को या भारत की परंपरा के महत्व को पूरी तरीके से नहीं नकारते थे लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चूँकि अपने दिशा निर्देश को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से ग्रहण करती थी इसके लिए इसके कारण से इस तरह की चीज़ें उसके लिए आलोचनात्मक चिंतन का विषय थी और आमतौर पर वो इसे बुर्जुआ सोच से जुड़ा हुआ मानकर प्रश्नों के घेरे में खड़ा करती थी खैर जो जब ये गठित हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो भारतीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसे सामाजिक फांसीवाद के संज्ञा दी विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के पहलू को समझने या उसके साथ चलने की बात कही जा रही थी लेकिन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कॉम्युन के उपनिवेशों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे दलों के प्रति दृष्टिकोण बदलने से भारतीय कम्युनिस्ट कौ, कौ, पार्टी के कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आया और यह दृष्टिकोण इसलिए बदला था क्योंकि यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में यह माना गया कि कांग्रेस जैसे जो उपनिवेशों के संगठन हैं उनमें कुछ प्रगतिशील तत्व भी हैं और उन प्रगतिशील तत्वों के साथ जुड़ाव करके राजनीति की जा सकती है और उपनिवेशवादी शक्तियों का विरोध किया जा सकता है तो जब ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने बदला तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस बदलाव को स्वीकार किया और अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की राजनीति को प्रगतिशील मानने लगी इसके सदस्यों ने कांग्रेस के वामपंथी धारा अर्थात सी की सदस्यता ग्रहण की उन्नीस सौ छत्तीस से 37 के दौरान सोशलिस्टों या समाजवादियों और कम्युनिस्टों के बीच आपसी सहयोग काफ़ी बढ़ गया जनवरी 1936 में सी एस सीएसपी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के दूसरे कांग्रेस में यह थीस स्वीकार की गई कि मार्क्सवादी लेनिनवाद के आधार पर एक संयुक्त भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की आवश्यकता है इसी तरह सीएसपी के तीसरे कांग्रेस के बाद बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में कई कम्युनिस्टों को शामिल किया गया लेकिन यह नज़दीकी संबंध काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाया उन्नीस में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रोलीटेरियन पथ शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया इसमें उसने युद्ध के कारण उप राज्य की कमजोर हालत का हवाला देते हुए उसके खिलाफ सशस्त्र आंदोलन छेड़ने की बात की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस एक तरफा घोषणा से नाराज होकर सी ने कम्युनिस्ट सदस्यों को अपनी पार्टी से निकाल दिया सी के सदस्यों को एक शिकायत यह भी होती थी कि कम्युनिस्ट उनकी पार्टी की संरचना पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक लिहाज से यह एक समझौते की बात तो शुरू हुई और ऐसा लगा कि दोनों वर्ग की राजनीति की बात करते हैं दोनों एक तरीके की रेडिकल आर्थिक मुद्दों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं तो एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं लेकिन उनके बीच जो एक विवाद का विषय था वो ये था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अक्सर या हर मामले में उस समय तक आ, अपने दिशा निर्देश सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी से ग्रहण करती थी और इसके कारण से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सीएसपी से जुड़े हुए थे वो यह कोशिश करते थे कि सीएसपी भी उसी दिशा में आगे बढ़े तो जब ये 1940 में प्रोलीटेरियन पद शीर्षक से दस्तावेज जारी हुआ तो फिर सीएसपी ने यह फैसला किया कि वो कम्युनिस्ट सदस्यों से कोई मतलब नहीं रखेगी अब यहाँ यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी चूँकि उसकी आ, उसका नेतृत्व उसके सदस्य सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी से दिशा निर्देश या एक वैचारिक दिशा हासिल करते थे तो अंग्रेजों के खिलाफ या औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत का जो संघर्ष था उसमें भी इनका दृष्टिकोण कई अंतरविरोधों से भरा रहा भाकपा की राजनीति में भारतीय परिस्थितियों को कम महत्व दिया गया अधिकांश मौकों पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या सोवियत यूनियन के निर्देशों ने पार्टी की रणनीति तय करने का काम किया इसी कारण कई बार इसके रणनीतियाँ बिल्कुल उल्टी दिशा में आगे बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के मजदूर संगठन और देश के कुछ भागों में इसकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने संगठन की ढांचे को भी मजबूती प्रदान की देश के अलग अलग भागों में आ, लेकिन आ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चूँकि सोवियत यूनियन की रणनीति से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी हद तक प्रभावित होती थी इसलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन और ब्रिटेन के संबंध अच्छे हो गए तो जुलाई 1942 में जब जो इस पर प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा वह हटा लिया गया प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि प्रोलिटेरिएट पथ नामक दस्तावेज में इसने पूरी तरीके से औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की बात कही थी लेकिन जब सोवियत यूनियन और ब्रिटेन की मित्रता हुई तो निश्चित रूप से एक तरफ तो इससे इस पर से प्रतिबंध हटाया गया दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने कांग्रेस के ब्रिटेन विरोधी रणनीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया इसने 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की और सुभाष चंद्र बोस की तीखी निंदा की और भारत छोड़ो आंदोलन की जो इसकी आलोचना थी वह इसी आधार पर थी कि इससे ब्रिटेन को जो कि फांसीवादी शक्तियों से लड़ रहा है उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा थोड़े आश्चर्य की बात यह इसलिए थी क्योंकि 1940 में खुद यही पार्टी पोलिटेरियन पथ नामक दस्तावेज के माध्यम से यह बात कर रही थी कि ब्रिटेन के खिलाफ भारत को सशस्त्र विद्रोह कर देना चाहिए सुभाष चंद्र बोस की नीति की आलोचना इसलिए की क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बड़े खुले रूप में इस पार्टी के अनुसार फाशीवादी शक्तियों के साथ मिले हुए थे इस दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही कि उसने कांग्रेस के मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया तो एक तरीके से आ, पार्टी का आधार भी बढ़ा क्योंकि यह मजदूरों के हितों की बात करती थी तो कांग्रेस के मजदूर संगठन पर इसका वर्चस्व कायम हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1946 में हुए प्रांतीय चुनाव में भागीदारी की और इसे पूरे देश के आ, में पंद्रह प्रांतीय विधानसभा सीटों में से आठ सीटों पर जीत मिली अपने गठन के बाद से देश की आज़ादी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए इसने एक समय कांग्रेस और महात्मा गांधी को प्रतिक्रियावादी की संज्ञा दी यानी कि वो प्रतिक्रियावादी का अर्थ यह हुआ कि वो प्रगतिशील और आगे की एक आर्थिक समानता वाले समाज की स्थापना के बजाय किसी पुराने मूल्य वाले समाज की स्थापना के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं वो एक ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं जिसमें भूमि वितरण ना हो जिसमें मजदूरों या किसानों के शासन के बजाय जमींदारों और ऐसे ही अन्य तत्वों का शासन हो जाए तो इस अर्थ में उन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी को प्रतिक्रियावादी कहा फिर भी कई मौकों पर उनके साथ मिलकर उन्होंने काम भी किया और दोबारा उनसे अलग होकर उनकी राजनीति का विरोध भी किया और इसमें आ, हम साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि उनकी जो पूरी रणनीति थी और जैसा मैंने आपको पहले बताया भी वो सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीति से प्रभावित होती रही और आ, इसके बाद देश के यानी कि इसी दौर में 1940 के दशक में आ, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसके इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसे कि पार्टी काफ़ी गौरव के साथ याद करती रही है एक तिभागा आंदोलन और दूसरा तेलंगाना आंदोलन Uh, 1940 के दशक में बंगाल में हुए तिभागा आंदोलन और आंध्र में हुए तेलंगाना आंदोलन में भी कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1940 में हुए तिभागा आंदोलन में बंगाल के जोधदारों ने इस बात के लिए संघर्ष किया कि उनके पास अपनी खेती के उत्पाद uh, का दो uh, दो तिहाई भाग होना चाहिए इस आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे किसान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कुछ जगहों पर यह आंदोलन हिंसक भी हो गया यह आंदोलन सफल रहा और राज्य की मुस्लिम लीग की सरकार ने यह कानून बनाया कि जमींदारों को कुल उत्पाद की एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया जाएगा लेकिन यह कानून सही तरीके से लागू नहीं हुआ पर इसका महत्व यह था कि जो तिभागा आंदोलन का संघर्ष था उसके माध्यम से ज़मीनी स्तर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह एक सफल प्रयोग किया जहां पर किसानों को गुलबंद करके उनकी कुछ निश्चित मांगों को मानने के लिए राज्य सरकार को मजबूर किया गया तो इस लिहाज से तिभागा आंदोलन एक सफल प्रयोग था दूसरी ओर जो तेलंगाना आंदोलन था वो हैदराबाद के रजवाड़े में हुआ यहाँ आंध्र महासभा के बैनर तले हैदराबाद के निजाम के खिलाफ पहले ही आंदोलन चल रहा था आंध्र महासभा में कम्युनिस्टों की अच्छी खासी उपस्थिति थी इन्होंने किसानों को निजाम और स्थानीय ज़मींदारों जिन्हें देशमुख के नाम से जाना जाता था उनके खिलाफ जागरूक बनाया नालगोंडा और वारंगल जिलों में किसानों ने कर्ज माफी बंधुआ मजदूरी खत्म करने और भूमि पुनर्वितरण के लिए आंदोलन चलाया यह या आंदोलन यानी कि जिसे हम तेलंगाना आंदोलन के नाम से जानते हैं वह आंदोलन उन्नीस में शुरू हुआ और 1946 आते आते इसने काफ़ी जोर पकड़ लिया निज़ाम की सेनाओं और ज़मींदारों के लठैतों ने इसका क्रूरता से दमन किया हज़ारों किसानों की हत्या कर दी गई लेकिन किसानों के सशस्त्र दस्ते ने भी मजबूती से इस दमन का विरोध किया इन दस्तों का बहुत से गाँवों पर नियंत्रण हो गया और उन्होंने वहाँ भूमि सुधार किया 1948 तक उन्होंने 3000 गांवों के तकरीबन 16000 वर्ग मील भूमि को मुक्त करा लिया और उसका गाँवों के लोगों के बीच वितरण कर दिया 1948 में सितंबर में भारतीय सेना के दखल से निजाम के शासन का अंत हो गया और यह एक प्रसिद्ध घटना है जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके बावजूद इस तरीके से निजाम के शासन के खत्म होने के बावजूद किसानों का विद्रोह जारी रहा भारतीय सेना ने इसका भी हिंसक तरीके से दमन किया आखिरकार उन्नीस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से यह आंदोलन वापस ले लिया गया और उसके बाद यह आंदोलन धीमा पड़ते हुए ख़त्म हो गया और ये जो उन्नीस में तेलंगाना आंदोलन खत्म हुआ तो इस लिहाज से तेलंगाना आंदोलन को सफल नहीं माना जा सकता है कि यह एक बहुत ही रेडिकल तरीके से भूमि के संबंधों को बदल पाया लेकिन निश्चित रूप से निजाम जो कि किसानों का दमन कर रहे थे उसकी उनका शासन खत्म हो गया और जिन क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रभाव रहा वहाँ काफ़ी हद तक भूमि के पुनर्वितरण का काम हुआ लेकिन ये जो पूरा दौर था उस पूरे दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में भी विचार हुआ और ये वह समय था जहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान सभा में हिस्सेदारी नहीं की और उसने आज़ादी को भी एक झूठी आज़ादी के रूप में कुछ समय तक प्रस्तुत किया हालांकि बाद में इसने संविधान को स्वीकार किया और संसदीय राजनीति में भागीदारी करनी भी शुरू कर दी तो देश की आज़ादी के समय आज़ादी और भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत गहन और रोचक वाद विवाद हुआ इस कारण पार्टी ने संविधान सभा में भी भाग नहीं लिया जब भारत को आज़ादी मिली उस समय पीसी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता का हस्तांतरण वास्तविक है और नेहरू की सरकार से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए पीसी जोशी ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस के बारे में अपने विचारों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए यानी कि वो यह चाहते थे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेहरू सरकार की वैधता को भारत की आजादी की वैधता को स्वीकार करे और उस दिशा में आगे बढ़े यानी कि नेहरू की सरकार को प्रगतिशील मानते हुए चुनाव में भागीदारी करे लेकिन उनकी पार्टी के भीतर उनके दृष्टिकोण को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला बी रणदीवे के नेतृत्व में एक खेमे ने यह तर्क दिया कि भारत में जो रहा है और विशेष रूप से उनका ध्यान तेलंगाना आंदोलन पर था जहां पर लोग किसान संघर्ष कर रहे थे इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बी टी रणदीवे के अनुसार आ, आ, लोकतांत्रिक और समाजवादी चरणों को मिलाकर पूरे राष्ट्र में मजदूरों के सशस्त्र संघर्ष द्वारा सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है पार्टी के भीतर कुछ लोगों ने तेलंगाना अनुभव की तुलना चीन में माओ के संघर्ष से की और भारतीय राज्य के खिलाफ जनयुद्ध छेड़ने की वकालत की 1948 के कलकत्ता कांग्रेस में रणदीवे लाइन की जीत हुई लेकिन पार्टी के भीतर पीसी जोशी खेमे ने इस तरह के कदम को वामपंथी भटकाओ के संज्ञा दी इस खेमे ने आंख मूद और कट्टर तरीके से चीन के रास्ते का अनुसरण करने की आलोचना की जोशी ने नेहरू सरकार की देशी विदेशी नीति का विश्लेषण करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि इसमें साम्राज्यवाद विरोधी प्रवृत्ति है इसके बाद पार्टी के भीतर इसमें काफ़ी आंतरिक वाद विवाद चलता रहा जिसे सुलझाने के लिए पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता मॉस्को गए और वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से उन्होंने लंबी चर्चा की इसके बाद तीन दस्तावेज तैयार हुए आ, इनका लब्बुलवा यह था कि आ, इन दस्तावेजों में यह साफ किया गया कि भारत एक निर्भर और अर्ध औपनिवेशिक देश है और नेहरू सरकार

चुनाव में भाग लेने का फैसला किया यहाँ हम यह ध्यान रखेंगे कि ये जो साम्राज्यवादी बुर्जुआ और देश का जो बुर्जुआ है उसके बारे में जो पूरा यह विश्लेषण है तो इसमें जो बी टी रणदीवे का खेमा था उसके विश्लेषण को पूरी तरीके से नकारा नहीं गया और यह कहा गया कि हिंदुस्तान में जो नेहरू की सरकार है वह पूरी तरीके से औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त नहीं है और उसे अर्ध औपनिवेशिक का दर्जा दिया गया यह कहा गया कि वो जमींदारों और बड़े एकाधिकारवादी यानी मोनोपोलिस्टिक बुरजबाजी या बड़ी पूंजीपतियों के हितों को पूरा कर रही है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित को पूरा कर रही है लेकिन इसके बावजूद एक गुंजाइश रखी गई कि इसमें ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वो पूरी तरीके से उन्होंने घुटना नहीं टेक दिया है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने और इसलिए इस प्रगतिशील तत्वों का सहारा लेते हुए जब अजय घोष पार्टी के नेता बने या पार्टी के महासचिव बने तो उन्होंने यह फैसला किया कि अभी तक हमने जो संविधान सभा का का बहिष्कार किया भारत की आज़ादी को झूठी आज़ादी की संज्ञा दी जन विद्रोह की जो हम बात कर रहे थे वो सारे लाइन को छोड़कर संविधान को स्वीकार करने और देश की राजनीति में भागीदारी करने की जरूरत है और उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मुख्य धारा की संसदीय राजनीति थी उसमें आ गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जब चुनाव में हिस्सेदारी की तो चुनावों में उसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा ऐसा नहीं कहा जा सकता पहले आम चुनावों में लोकसभा में 16 सीटों पर जीत हासिल करके मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा लेकिन इस समय देश की राजनीति में कांग्रेस और नेहरू के वर्चस्व को चुनौती देना बहुत ही मुश्किल था फिर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ राज्यों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली दूसरे आम चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीटों में भी बढ़ोतरी हुई इन चुनावों में इसे 27 लोकसभा क्षेत्रों में जीत मिली केरल में उन्नीस के विधानसभा चुनावों के बाद ई एम एस के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी यह विश्व की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी लेकिन उन्नीस में केंद्र के नेहरू सरकार ने इसे बर्खास्त कर दिया और असल में नम्बोद्रीपात के सरकार की बर्खास्तगी एक तरह से नेहरू सरकार या जवाहरलाल नेहरू की राजनीति के ऊपर एक तरीके से काला धब्बा भी है क्योंकि यह एक ऐसा कदम था जिसने कि अनुच्छेद तीन के दुरुपयोग का एक सिलसिला आरंभ किया और यह लोकतंत्र के प्र के प्रति नेहरू सरकार के भरोसे को भी एक तरीके से सवालों के घेरे में खड़े करता है बाद में आ, आ, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने इंदिरा गांधी का भी समर्थन किया खासतौर पर उस दौर में जब इंदिरा गांधी प्रगतिशील कदम उठा रही थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी और उसके बाद उन्हें समर्थन की आवश्यकता थी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में एक वह मोड भी आया जब इंदिरा गांधी का समर्थन करते हुए इसने इमरजेंसी का भी समर्थन किया तो इस लिहाज से इसकी राजनीति में कई तरह के एक ऐसे पहलू रहे जिसकी आलोचना की जा सकती है लेकिन जो चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है वो ये कि 1977 के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर और कई अन्य छोटे वाम दलों के साथ मिलकर एक वाम मोर्चे का गठन किया और उसके बाद की अगर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति देखें तो वह वाम मोर्चे की राजनीति के रूप में ही सामने आती है जिसके बारे में हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि अभी वर्तमान समय में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में हो लेकिन देश के कई भागों में इसका प्रभाव है और इसके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी मुझ, है तो इसका प्रभाव तुलनात्मक रूप से अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों की तुलना में देश के विविध भागों में ज़्यादा है हालांकि कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां मजबूती से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सरकार बनाने या मुख्य विपक्षी दल बनने का दावा कर सके और अगर कुछ राज्यों में इसका प्रभाव है भी इस स्थिति में कि वो सरकार बना सके तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कारण से है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फिर मार्क्सवादी ब्रैकेट में लिखा जाता है इस रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है सी या सी या माकपा भी कहा जाता है और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक दल के रूप में सामने आई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारत के संसदीय लोकतंत्र की वर्तमान समय में सबसे बड़ी वामपंथी राजनीतिक पार्टी है भारत के चुनाव आयोग द्वारा इसे भी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है इसे आम तौर पर जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेजी मीडिया में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी या सी और हिंदी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या माकपा शब्द के रूप से वर्णित किया जाता है पश्चिम बंगाल केरल और त्रिपुरा राज्यों में माकपा की स्थिति बहुत मजबूत रही है हालांकि हाल के वर्षों में या पिछले एक दशक से पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति लगातार कमजोर होती गई है और त्रिपुरा में भी पिछले विधानसभा चुनाव में इसे करारी हार का सामना करना पड़ा केरल में आ, इसका कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से आ, हमेशा ही कड़ा टक्कर होते रहता है पर वहाँ पर वाम मोर्चे के रूप में वर्तमान समय में भी इसकी सशक्त उपस्थिति है आ, लेकिन वामपंथी दलों का जो एक वाम मोर्चा है उसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर सी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास है सी पी आई एम या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन उन्नीस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भारतीय राज्य की प्रकृति और पार्टी की रणनीति के संबंध में बहुत ज़्यादा वाद विवाद तथा उथल पुथल हुआ 1960 के दशक की शुरुआत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी पर रिविजनिस्ट या संशोधनवादी होने और मार्क्सवाद ललिनवाद के रास्ते से भटकने का आरोप लगाया चीन और भारत का संबंध भी काफी खराब हो गया और सीमा विवाद के कारण उन्नीस में भारत चीन के बीच युद्ध भी हुआ अब ये एक शब्द यहाँ पर आया है संशोधनवादी या रिविजनिस्ट होने ये एक ऐसा शब्द है जिसको कि मार्क्सवाद के भीतर या कम्युनिस्ट पार्टियों के भीतर एक तरीके की तीखी आलोचना या निंदा के रूप में लिया जाता है रिविजनिस्ट होने का मतलब यह है कि एक जो बड़ा लक्ष्य है कि आप वर्गहीन समाज या कम्युनिस्ट समाज बनाना चाहते हैं आप उससे भटककर कोई आसान रास्ता या कोई एक विपरीत रास्ता चुनने लगते हैं तो यह कहा जाता है कि आप जो एक रास्ता है और जो एक मंजिल है उसको छोड़कर आप कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं या कम्युनिस्ट आदर्शों से विचलित हो रहे हैं तो उसके लिए रिविजनिस्ट शब्द का उपयोग किया जाता है और आमतौर पर कम्युनिस्ट एक दूसरे की आलोचना करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी में एक नज़दीकी संबंध रहा और आ, लेकिन जब आ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की निंदा की उसकी आलोचना की तो भारत के वामपंथी भी यानी कि कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर जो कम्युनिस्ट थे वो भी दो भागों में बट गए और आ, उस समय भारत और चीन का संबंध भी खराब हुआ ये स्थिति भी आई कि जब भारत ने चीन पर आ, के साथ भारत का युद्ध हो रहा था चीन का जब हमला हुआ उस समय भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने भारत सरकार की नीति का समर्थन किया वहीं भारतीय पार्ट, वही पार्टी के एक दूसरे धड़े ने यह दावा किया कि यह समाजवादी और पूंजीवादी राज्य के बीच टकराव है और इसे राष्ट्रवाद के चश्मे से देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत समर्थक धड़े ने उस समय की सत्ताधारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के विचार को आगे बढ़ाया लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक दूसरे धड़े ने जो आगे चलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनी उसने इस वर्ग सहयोग के संशोधन विचार की संशोधनवादी विचार की संज्ञा दी और इसका विरोध किया एक समय के बाद यह टकराव काफ़ी बढ़ गया इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ और चीन के संबंधों में एक और खटास आया और दूसरे स्तर पर भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया और एक नई पार्टी के रूप में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का जो विभाजन है वो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कारकों से प्रभावित था और उसमें सोवियत यूनियन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी एक धड़ा सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक था दूसरा धड़ा चीन की सोवियत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक था जो सोवियत यूनियन के का समर्थक पार्टी का धड़ा था उसने नेहरू सरकार और सोवियत संघ के बीच में संबंधों में सुधार होने के साथ ही यह रणनीति अपनाई कि अब कांग्रेस और नेहरू को समर्थन देने की ज़रूरत है लेकिन जो चीन का समर्थक धड़ा था उसने यह महसूस किया कि असल में ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस और और जवाहरलाल नेहरू की राजनीति का तीखा विरोध किया जाए मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि सीधे तौर पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये दोनों धड़े सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ही दिशा निर्देश हासिल कर रहे थे भारत की परिस्थितियों के आधार पर यह अपनी समझ बना रहे थे यानी कि कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा भारत की स्थितियों के अपनी समझ के अनुसार यह मान रहा था कि हमें कांग्रेस की राजनीति का विरोध करने की आवश्यकता है और यह धड़ा चीन से भी जुड़ा हुआ था तो वो एक कारक के रूप में था और दूसरा भारत की परिस्थितियों का उनका विश्लेषण भी था मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि आ, जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी उन दोनों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो धड़ों के संबंध को बिल्कुल ही मैकेनिक या यांत्रिक तौर से नहीं समझा जा सकता है निश्चित रूप से वे चूँकि मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करता है तो वो एक संबंध रखते थे लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति को बनाने में अपने विश्लेषण का भी सहारा लिया जिसमें जिसे प्रभावित करने वाले कारक के रूप में उनका कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की थी या सोवियत यूनियन की थी उससे संबंध ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो जब भारत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो उसमें पश्चिम बंगाल के कई नेता शामिल हुए केरल और कई अन्य जगहों पर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए इसमें नंबूद्रीपाद और ज्योति बसु जैसे नेता प्रमुख थे उन्नीस का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बंगा अजय मुखर्जी के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल हुई और इसके नेता ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री बने इसी तरह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ई एम एस नमोद्री पाद ने केरल में एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया यह यह भी उल्लेखनीय है कि उन्नीस के नक्सलबारी आंदोलन छिड़ने के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और कई नए नए समूह उभर कर सामने आए और वो एक राजनीति की अलग दिशा में चले और नक्सलवादी राजनीति में भी कुछ समूह जो थे उन्होंने हिंसक रास्ता को अपनाया बाद में आगे चलकर कुछ समूहों ने जन आंदोलन की राजनीति को अपनाया लेकिन अभी वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है हमें यहाँ सिर्फ यह समझने की ज़रूरत है कि जो नक्सलबाड़ी में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ उसके कारण भी सी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में एक विभाजन हुआ अब जब 1977 का चुनाव हुआ तो उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी उन दोनों के बीच में एक नज़दीकी समझ बनी और उसके बाद एक वाम मोर्चे का गठन हुआ और उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन टूट गया और जो वाम मोर्चे का गठन हुआ उसने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई जिसमें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ा घटक दल था और ज्योति बसु राज्य के मुख्यमंत्री बने और ज्योति बसु ने एक लंबे समय तक शासन किया आ, उन्होंने भूमि सुधारों और अन्य कई कदमों के द्वारा ग्रामीण जनता में जबरदस्त पैठ बनाई और वे एक लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे 1977 से 2000 तक इसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य राज्य के मुख्यमंत्री बने आ, आ, और इसके बाद 2011 के विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चा को हार का सामना करना पड़ा इसके अलावा उन्नीस में केरल में भी वाम मोर्चे की सरकार बनी बाद में 80 के दशक में यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होता रहा आ, यहां यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वाम मोर्चे ने कई बार आ, अपनी यानी कि त्रिपुरा पश्चिम बंगाल और केरल के अलावा त्रिपुरा में भी वाम मोर्चे ने कई बार अपनी सरकार बनाई और वहाँ उसकी स्थिति मजबूत रही है लेकिन जैसे मैंने आरंभ में बताया कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में इसे हार का सामना करना पड़ा है लेकिन जो एक ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वाम मोर्चे की रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति के अलावा वह केंद्र की राजनीति में रही है और जब केंद्र की राजनीति में ऐसी स्थिति बनी कि गैर कांग्रेसीवादी दलों गैर कांग्रेसवादी या गैर कांग्रेसी दलों का उभार हुआ तो आ, उस तरीके की सरकार को प्रोत्साहन देने या बढ़ावा देने का काम उन्नीस सौ नवासी में भी आ, वाम मोर्चे ने किया उन्होंने बाहर से वीपी सिंह की सरकार को समर्थन प्रदान किया जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनने की स्थिति आई उन्नीस सौ छियानवे के चुनावों के बाद तो उस समय भी वहाँ उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विशेष रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत ने विभिन्न दलों को एक साथ लाने उन्हें जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और वहाँ उन्नीस में यह प्रस्ताव आया था कि ज्योति बसु को ही संयुक्त मोर्चे के नेता के, के रूप में देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने इस प्रस्ताव को नकार दिया बाद में खुद ज्योति ज्योति बसु ने इसे एक ऐतिहासिक भूल की संज्ञा दी थी उनका तर्क यह था कि अगर हम सरकार बना लेते तो और हमारी सरकार एक साल भी चलती तो हम पूरे देश में यह दिखा सकते थे कि वामपंथी दल किस प्रकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं तो इस लिहाज से उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक भूल माना था और लेकिन इसके बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा की और 2004 के बाद जब वाम मोर्चे को काफ़ी अच्छी सफलता मिली पश्चिम बंगाल केरल और कुछ अन्य स्थानों पर तो इसकी सीटें काफ़ी बढ़ गईं और उसने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बने यूपीए के सरकार को अपना समर्थन प्रदान किया यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक केंद्र की राजनीति में कभी भी वाम मोर्चे ने सक्रिय रूप से आ, सरकार में हिस्सेदारी नहीं की है लेकिन सिर्फ एक बार उन्नीस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह फैसला किया कि वह सरकार में शामिल होगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इंद्रजीत गुप्त आ, उस समय देश के गृह मंत्री बने थे लेकिन यूपीए की सरकार में भी यूपीए पी वन में भी आ, वाम मोर्चे ने आ, जो आ, सरकार में शामिल होने का फैसला था वो नहीं किया और इसके कारण आ, से वो सरकार से बाहर रहकर ही उसकी नीतियों को प्रभावित करते रहें करने की कोशिश करते रहें और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना आ, जिसके माध्यम से मनरेगा या फिर वन अधिकार कानून सूचना अधिकार कानून जैसे प्रगतिशील कानून पारित हुए और कई सारे प्रगतिशील काम इस सरकार में हुए और जो यूपीए वन की सरकार थी उसमें हुए प्रगतिशील कामों का जो एक श्रेय है उसे वाम मोर्चे को भी दिया जाना चाहिए आ, और फिर 2008 का वक्त आता है जहां पर अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते को आधार बनाकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने यूपीए की सरकार या संपर्क सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया लेकिन 2009 के आम चुनावों में इसे 2004 की तुलना में काफ़ी कम सीटें मिली इसका बड़ा कारण यह था कि जिन बंगाल और केरल में इसका प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा अब यहाँ वामपंथी दलों को एक तगड़ा झटका पश्चिम बंगाल में भी लगा और उस तगड़े झटके में एक जो कोशिश बुद्धदेव भट्टाचार्य ने की कि वो औद्योगिकरण के रास्ते पर राज्य को ले जाएं और यह एक समझ बनने लगी पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों के कम्युनिस्ट नेताओं में कि वो जो देश के अन्य भागों में उदारीकरण के कारण परिवर्तन हो रहा है बहुत से अन्य राज्य जो पूंजी निवेश और अन्य उदारीकरण के माध्यमों को अपनाकर प्रगति कर पाए हैं वैसी प्रगति पश्चिम बंगाल में या उनके शासन वाले अन्य राज्यों में नहीं हो पाई है हालांकि केरल का प्रदर्शन हमेशा ही सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श माना जाता रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह कोशिश शुरू की कि वो बाहर से पूंजी निवेश को ले आएँ और वहाँ पर उद्योगों की स्थापना करें और यहीं पर सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण का फैसला किया गया और इसे शिल्पायन या औद्योगिकरण की तरफ बढ़ने का भी आ, आ, के एक माध्यम के रूप में देखा गया लेकिन इन दोनों ही स्थानों पर सिंगूर और नंदीग्राम में स्थानीय लोगों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया राज्य सरकार ने बल प्रयोग द्वारा इस तरह के विरोध को दबाने की कोशिश की और आ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वाम मोर्चे के लिए स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो गई क्योंकि इस तरीके के प्रतिरोध का नेतृत्व भी कई अन्य तरह के वामपंथी कर रहे थे कुछ नक्सल समूह भी उससे जुड़े हुए थे और इसके अलावा देश के अलग अलग भागों में जो ऐसे मार्क्सवादी थे जो सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे सी पी आई या सी पी आई एम से उन्होंने भी नंदीग्राम और सिंगूर में जो कदम उठाया जा रहा था पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चे की सरकार का जो दमन किया जा रहा था स्थानीय लोगों का उसका विरोध किया तो यह एक धर्म संकट की स्थिति हो गई और उससे पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे की छवि को काफी गहरा धक्का लगा यहाँ तक कि बौद्धिक स्तर पर भी काफी विचार विमर्श हुआ और वामपंथी दलों में से जुड़े कई विद्वानों ने यह कहा कि जो लोग इस तरह के औद्योगिकरण की नीति का विरोध कर रहे हैं असल में वो नार्डोनिक्स की तरह हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ खेती और समाज के माध्यम से एक साम्यवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है तो ये काफ़ी वाद विवाद चला लेकिन हमारे लिए सम्... यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसने पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार की छवि को गहरा धक्का लगाया ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर रही थी और उसकी आ, और आ, उनकी इस उभार के कारण आ, जो एक गहरी चुनौती मिली आ, वाम मोर्चे को उसके चलते उसे आ, हार का सामना करना पड़ा 2011 के विधानसभा चुनावों में और उसके बाद आ, हम अगर 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव देखें तो उसमें भी देश के स्तर पर वामपंथी दलों को वाम मोर्चे के दलों को विशेष रूप से सीपीआई CPI और सीपीआईएम को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है पश्चिम बंगाल में न सिर्फ यह सत्ता की में वापसी करने में नाकाम रही है बल्कि एक तरीके से इसकी राजनीति का दायरा भी सिकुड़ता गया है स्थानीय स्तर पर इसके कार्यकर्ताओं में निराशा फैली है बहुत से कार्यकर्ता या तो तृणमूल के साथ जुड़े या उनमें से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हैं और अब इसका मुख्य संघर्ष यह साबित करने के लिए भी है कि यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है अभी भी त्रिपुरा में भी इसे हार का सामना करना पड़ा कुल मिलाकर केरल में अभी तक इसकी स्थिति मजबूत है लेकिन वहाँ भी इसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यू से बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा है मैं यहाँ आगे आ, इस बात की चर्चा करूँगा कि वाम दलों की राजनीति की सीमाएँ क्या रही हैं लेकिन आ, अभी तक की जो हमारी चर्चा है उसमें हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वामपंथी दलों ने मुख्य रूप से ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जब से वो संसदीय राजनीति में आए जिससे कि मजदूरों के हितों की सुरक्षा हो जिससे कि किसानों के लिए अच्छे कानून बने जिससे समाज के वंचित तबकों की भलाई का काम हो तो आ, और इसने यह भी कोशिश की खासतौर पर संयुक्त मोर्चे के रूप में कि एक वैकल्पिक राजनीति का विकास हो जो कि कांग्रेस और भारतीय जनता की पार्टी की राजनीति के अलावा हो हालांकि इसे इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली ऐसा नहीं कहा जा सकता और बाद में इसकी राजनीति कांग्रेस के सहयोग कर सहयोगी दल के रूप में भी सामने आई यूपीए वन के समय लेकिन आ, जो वाम दलों की राजनीति है उसकी आ, सीमाओं को हम साफ़ तौर पर देख सकते हैं आ, वाम दलों की जो राजनीति है और यहाँ पर मैं सीपीआई और सीपीआईएम की बात कर रहा हूँ उसकी एक बड़ी सीमा यह रही है कि ये अपना विस्तार करने में नाकाम रहे हैं देश की कुल तीन राज्यों में ही इनका ठीक ठाक प्रभाव है हिंदी प्रदेशों की राजनीति में ये पूरी तरह से हाशिए पर हैं इन राज्यों में बहुत मुश्किल से कभी कभार आ, इन्हें आ, या तो सी CPI और सी को एक या दो सीटें मिल जाती हैं महाराष्ट्र गुजरात या केरल के अलावा दक्षिण भारत के दूसरे राज्य या त्रिपुरा के अलावा उत्तर पूर्व के दूसरे राज्यों में इसकी उपस्थिति बहुत कम है और पिछले कई दशकों में इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि वाम दल दूसरे क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं बल्कि यह भी हुआ है कि जिन राज्यों में इनकी पकड़ थी वहाँ इनकी पकड़ कमज़ोर हुई है जैसे 1990 में लालू प्रसाद यादव के उभार से पहले मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आ, बिहार में एक मजबूत वामपंथी ताकत के रूप में हुआ करती थी इसके विधायक अच्छी खासी संख्या में चुनकर आया करते थे लेकिन धीरे 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 करके यह कमजोर होती गई और अभी भी इसका कुछ इलाकों में प्रभाव है लेकिन यह पहले के इसके प्रभाव की तुलना में काफ़ी नगण्य है तो जहाँ एक तरफ पार्टी का विस्तार होना चाहिए था उसके बजाय हुआ यह है कि पार्टी का संकुचन हुआ है और देश के जो अलग 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 भाग हैं वहाँ पर पार्टी इस तरीके से अपना विस्तार नहीं कर पाई है कि वहाँ के चुनावों में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके निश्चित रूप से एक या दो क्षेत्रों में इन राज्यों में इसे सफलता मिलती है वहाँ इसके नेता या विधायक एक ईमानदार नेता जनता के प्रति जवाबदेह नेता की भूमिका में नजर आते हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि पार्टी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो उसमें एक ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर पा रही है दूसरी तौर पर वामपंथी दलों की सीमा यह है कि आर्थिक नीतियों के संदर्भ में भी ये कोई वैकल्पिक रूपरेखा पेश नहीं कर पाए हैं और निजीकरण और, और, और उदारीकरण की नीतियों का इन्होंने आरंभ में विरोध किया लेकिन 2006 के बाद इन्होंने इन्हीं नीतियों को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया और इन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य हिंसा का भी खुलकर प्रयोग किया जैसा मैंने बताया इस सिंह की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा। राज्य हिंसा के प्रयोग का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भी कहीं भूमि ली जाती है और लोग उसका विरोध करते हैं तो जो राज्य सरकार होती है उसके पास दो ही विकल्प होता है या तो वो लोगों के इस तरह के आंदोलन के सामने घुटने टेक दे या फिर उस तरह के आंदोलन को तोड़ने का और भूमि अधिग्रहण को सफल बनाने का काम करें एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है कि लोगों से संवाद करते हुए उन्हें ज़्यादा अच्छा विकल्प उपलब्ध कराया जाए उनके भीतर यह समझ बनाई जाए कि विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है आ, लेकिन वामपंथी सरकार जो पश्चिम बंगाल की थी वह ऐसा करने में नाकाम रही और यहाँ यह इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक तरीके से जो नीति के स्तर पर वामपंथी दल हैं या उसके उनके भटकाव को भी दिखाता है क्योंकि नीतिगत स्तर पर अधिकांश वामपंथी अभी भी इस बात से सहमत नहीं हो पाए या इसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए कि लोगों की जमीन ली जाए और उसके स्थान पर उद्योग को लगाया जाए तो ये जो एक स्थिति रही उसके कारण से एक भ्रम की स्थिति आर्थिक नीतियों के संदर्भ में वामपंथी दलों के भीतर रही है और जब तक से वो इन भ्रम से इस भ्रम से आगे नहीं निकलेंगे तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि ये एक वैकल्पिक आर्थिक नीति की रूपरेखा प्रस्तुत कर पाएंगे इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि यह वैकल्पिक रूपरेखा निश्चित तौर पर उदारीकरण के सामने घुटने टेकने के रूप में ही नहीं हो सकती है बल्कि यह इस रूप में भी सामने आ सकती है कि किस तरीके से जो राज्य है वह जनता से जुड़े जो मुख्य सारोकार हैं शिक्षा चिकित्सा रोजगार उसमें अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटे तो केरल में वामपंथी सरकार का इस मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है लेकिन देश के अन्य भागों में इस तरह के आर्थिक विजन के आधार पर वह आम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में नाकाम रही है और आ, आम तौर पर विश्वविद्यालयों में युवाओं का एक समूह वामपंथी दलों की तरफ आकर्षित होता है लेकिन अगर आप उन युवाओं की आगे की राजनीतिक यात्रा को देखें तो वो बहुत जल्द जैसे ही वो यूनिवर्सिटी को छोड़ते हैं वो दूसरी तथाकथित मुख्य धारा की या ज़्यादा सक्रिय राजनीति में मौजूद राजनीति में सफल रूप से सक्रिय रूप से मौजूद दलों की ओर मुड़ जाते हैं या तो वह कांग्रेस में या राष्ट्रीय जनता दल में इस तरह के दलों में अपने भविष्य को तलाशने लगते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो उत्तर भारत में राजनीति करना चाहते हैं तो उनका भविष्य नहीं है इस लिहाज से जरूरत कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात की है कि वह वैचारिक रूप से अपनी स्पष्टता के साथ इन राज्यों में भी अपने विस्तार को बढ़ाने की कोशिश करें और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो अलग अलग छोटे छोटे वामपंथी समूह हैं वो एक हों बजाय इसके कि छोटी छोटी बातों में पार्टी लाइन के नाम पर जैसे विभाजन होता है उस विभाजन को इतना महत्वपूर्ण मान लिया जाए कि बड़े लक्ष्य को लेकर सभी वामपंथी समूह एक साथ ना आ पाए अब बहुत लंबे समय से कई बार समाचार पत्रों में यह सुनने को मिल जाता है कि जो आ, सी पी आई और सी पी आई एम हैं वो मिलकर एक दल बन सकते हैं लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है और इसी तरीके से कई अन्य छोटे दल हैं जो कि मिलकर अगर एक साथ आएँ तो वो तुलनात्मक रूप से बड़ी शक्ति बन सकते हैं तो वामपंथी दलों के भीतर इस तरीके से सुधार करने की ज़रूरत है कि वो अपने पार्टी का दूसरे राज्य में जहाँ उनका विस्तार नहीं है वो विस्तार करें और इसके अलावा वे अपने भीतर नीतिगत स्पष्टता को भी लाने की कोशिश करें विशेष रूप से आर्थिक नीतियों के संदर्भ में और वह स्पष्टता वैचारिक स्पष्टता के साथ आनी चाहिए सिर्फ इस आ, बात इस समझ के आधार पर नहीं आनी चाहिए कि ऐसा करना एक व्यवहारिक मजबूरी है तो आ, अगर ये इस तरीके से काम करते हैं तो अपने पार्टी के प्रभाव का और ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वामपंथी दल जो हैं वो हाशिए पर हैं कई बार इनकी तीखी आलोचना की जाती है यह कहते हुए कि आ, विदेशी विचारधारा से ये प्रभावित हैं हालांकि विचारों की अपने आप में कोई सीमा नहीं होती है और कोई भी यह नहीं कह सकता है कि जो विचार आ, उसके पास हैं वो पूरी तरीके से देशज ही हैं लेकिन यह भी सच है कि अगर कोई विचार हम बाहर से लेते हैं तो वह पूरी तरीके से बाहरी विचार नहीं होता है क्योंकि हम उसे अपने अनुभवों के आधार पर अपनी परिस्थितियों के आधार पर ढालते हैं लेकिन वामपंथी दलों के इतिहास में जो आ, आ, इनकी एक निर्भरता पहले सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर रही है उससे इन्होंने खुद को कुछ हद तक स्वतंत्र किया है का चूँकि चीन सोवियत यूनियन तो के विघटन के बाद तो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी रही नहीं लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अभी भी एक जुड़ाव है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं वो भारतीय हित की तुलना में किसी विदेशी शक्ति के हित को वरीयता देते हैं लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि भारत की परिस्थितियों के अनुसार वो ऐसे सूत्रीकरण और ऐसे आंदोलन की राजनीति को लेकर आगे आएँ जिससे आम लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर पाएँ और आ, जो इनकी राजनीति का लक्ष्य है उसकी तरफ आ, देश की राजनीति को आगे बढ़ा पाएँ तो मेरी आ, आज की इस पूरी चर्चा में कोशिश यह रही है कि मैं वैचारिक स्तर पर और ऐतिहासिक समझ के साथ आपको भारत के दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानकारी दे सकूँ मैंने निश्चित रूप से हाल के दशकों पर कुछ बिंदुओं में ही अपनी बातों को रखा है लेकिन आप इन बिंदुओं के माध्यम से ज़रूर यह समझ पाए होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो गैर भाजपा की राजनीति पिछले दो तीन दशकों पर काफ़ी जोर देकर कर रही है और हमेशा से ही इसने सांप्रदायिक राजनीति का विरोध किया है और आर्थिक मामलों की के संदर्भ में इसने यह कोशिश की है कि अगर वैश्वीकरण का पूरी तरीके से विरोध ना हो तब भी राज्य आम लोगों के प्रति अपनी आपको जवाबदेह बनाए और इस लिहाज से अगर हम यूपी वन के कई प्रगतिशील कदमों को देखते हैं तो उसमें वामपंथी दलों की भूमिका को स्वीकार करना होगा और भविष्य में वामपंथी दल कितने सफल होते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह भारतीय युवाओं के कितने बड़े समूह को अपनी ओर आकृष्ट कर पाते हैं और अपनी नीतियों से जो एक कई मसलों पर एक अंतर विरोध दिखता है उससे खुद को कैसे निकाल पाते हैं तो अपनी इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा और मुझे ये उम्मीद है कि इस चर्चा से आप भारत के दो प्रमुख वामपंथी दलों के इतिहास और उनके विचार और उनकी राजनीति की यात्रा की एक सामान्य समझ बना पाए होंगे और आप अन्य पुस्तकों को पढ़कर इनकी राजनीति की और समझ बनाने की कोशिश करेंगे नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless.